फाइनली वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। ऐसे कौन से बढ़िया मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स है और ट्रिक्स है जो आप अपने टूडे लाइफ में यूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस बढ़िया वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपने मेरे काफी सारे फोटोज में देखा होगा इस टाइप के बैकग्राउंड ब्लर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है, और मैं इसने शार्प फोटोग्राफी कैसे कर लेता हूँ कि सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा फोकस रहता है और बैकग्राउंड काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूँ आपके फोन में क्या करना है। आपका कोई भी स्मार्टफोन रहेगा उसका जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा ऐप रहेगा उसे बस आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और कैमरा ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सपर्ट मोड या फिर प्रो मोड। आपके किसी भी स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे प्रो मोड रहता है उसे आपको बेसिकली ओपन करना है, और वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है AF या फिर MF ऐसा लिखा होता है। सो यहाँ पे आपके MF और AF का ऑप्शन को आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे स्लाइडर में रहेगा कुछ इस तरह का। तो इनिशियली मतलब सबसे पहले स्लाइडर नॉर्मल मोड में रहता है 1 केस में। तो आपको जो भी यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको यहाँ पे स्लाइड करना पड़ेगा, मतलब नीचे आने पड़ेगा 0 पर। तो कुछ इस तरह का आपको स्लाइड करते करते आपको यहाँ पे 0 पर आना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप फोटो में क्लियरली देख ही सकते हो कि बैकग्राउंड अपना कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लर हुआ है। तो मैं जितने भी यहाँ पे मैं फोटो क्लिक करता हूँ उसमें ये सेटिंग बिल्कुल यूज़ करता हूँ, और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप भी इसे यूज़ करना, और इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको ये वाली ट्रिक पता चल गई होगी, तो अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। सो ट्रिक नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली ट्रिक है। आप इसे किसी भी फ्लावर या फिर अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी डिजिटल जूम रहता है 2x वाला जूम, बस उसे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे फोटोग्राफी क्लिक करनी है। आप क्या करते हो, नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो 1x में। तो आपको यहाँ पे बस यही करना है कि जो भी यहाँ पे 2x वाला डिजिटल जूम रहता है उसे क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप नॉर्मल में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है सब्जेक्ट को छोड़ के, जो भी बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो काफ़ी यहाँ पे बेकार दिख रहा है। जब आप यहाँ पे 2x जूम करके आप जब यहाँ पे फोटो क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप की बेहतरीन आएगी। तो इसे कहते हैं फ्रेमिंग। आपके सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाना है और जो भी बैकग्राउंड रहता है उसे आपको मिनिमम दिखाना है। ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा बेसिक ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इसे मिस कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फोटो क्लिक करो तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर आपको यहाँ पे टैप करते हुए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर यहाँ पे टैप करोगे तो जो भी मोबाइल कैमरा रहेगा उसे पता चल जाएगा कि इसी के ऊपर ही आपको यहाँ पे फोटो करनी है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर कुछ इस तरह का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर कुछ इस तरह का था विदाउट टैप, और यहाँ पे आफ्टर कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे टैप मिलता है। तो आपको बेसिक यही ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस पर आपको टैप करते हुए आपको फोटोग्राफी करनी है, चाहे वो वीडियो चाहे फोटोग्राफी हो। तो ट्रिक नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आपका जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा ऐप रहेगा बस उसे यहाँ पे ओपन करना है। तो उसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ 3 डॉट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो 3 लाइंस की क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेमिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेमिंग वाला ऑप्शन में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फुल मोड में ही फोटो क्लिक करते हैं, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं। पर एक गलती ना करें आप हमेशा यहाँ पे 4:3 में क्लिक करें, क्योंकि जिससे 4:3 में जब आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स और काफ़ी सारे मेगापिक्सल्स आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपके यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फुल मोड पे यहाँ पे फोटो क्लिक करी है, तो 2.2 MB की यहाँ पे फोटो बनी हुई है, और जब मैं यहाँ पे 4:3 में करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 MB का यहाँ पे पिक्चर बन जाता है। तो आप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करते हो तो आपको यहाँ पे हमेशा 4:3 में ही फोटो आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी। तो इससे जो भी आप मेगापिक्सल्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो अभी बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल ट्रिक की ओर। तो फाइनल ट्रिक आपको है करना है, आपको जो भी आप स्मार्टफोन रहेगा उसे बस आपको कुछ इस तरह का अपसाइड डाउन कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप का आप करते हुए आप कुछ इस टाइप के आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी टाइप के आपको यहाँ पे फोटोग्राफी करनी है। ये वाली फोटोग्राफी ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी जहाँ आप इसे गार्डन में या फिर किसी ग्राउंड सरफेस में आप यहाँ पे रख के फोटो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।